हेलो एवरीवन, दिस इज मी साथिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि क्या आपका पर्सन आपको प्यार करता है, हाँ या ना। चाहे आप इन टच हो, चाहे आप आउट ऑफ टच हो, चाहे जो भी सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें भी आप ये रीडिंग देखना चाहते हो, करंट के लिए, एक्स के लिए, आप देख सकते हो। इस रीडिंग में हम चार्म्स भी ऐड करेंगे। आई होप कि मुझे याद रह जाए टुवर्ड्स द एंड ऑफ द रीड कि हमने चार्म्स ऐड करने हैं। सो या रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूं कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर सकती है और नहीं भी कर सकती। सो जस्ट पिक व्हाटएवर रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। और अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से इजी पैसेज पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट कि जो भी स्पेसिफिक समवन है आपके माइंड में राइट नाउ, क्या वो पर्सन आपको चाहता है, क्या वो आपको प्यार करता है, क्या उसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, हाँ या ना। लेट्स बिगिन। द एम्प्रेस, सेवन ऑफ सोर्ड्स, द वेल, Three of Wands, Ace of Cups. Underneath the deck, we do have the Two of Swords. अच्छा, एक चीज़ आपके पर्सन को बहुत अच्छे से पता है कि यू कुड बी द परफेक्ट चॉइस फॉर देम, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा यू नो इनडिसाइसिव है आपका पर्सन आपको लेकर, कनेक्शन को लेकर, जिसमें रीज़न ये नहीं है कि वो आपको प्यार करता है या नहीं करता। रीज़न कुछ और है, उसके जहन में कुछ और चीज़ें हैं जो कि वो सोचता है, और देन वो सोचता है कि शायद कनेक्शन को परसू करना है या नहीं करना, बट या अपने प्यार का इजहार करना है या नहीं करना। लेकिन मुझे लगता है कि ये प्यार जो आपके पर्सन को हो, आपके लिए फील होगा, वो ग्रेजुअली होगा। मुझे लगता है मेजॉरिटी लोगों के लिए राइट नाउ आपको देखकर उनको लगता है कि यू कुड बी द परफेक्ट वन, पर एट द सेम टाइम शायद जब आप दोनों की कनेक्शन की बात आती है तो कहीं ना कहीं चीज़ें जो है जब वो यू नो कैलकुलेटिव वे में चीज़ों को देखते हैं तो उनको लगता है कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल। सो वो अपने प्यार को क्या करते हैं, वो सप्रेस करते हैं अपने प्यार को, वो अपने प्यार को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। सो मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि जो इनकी जो आपको एक देख कर जो इंस्टेंट एक फीलिंग आती है वो ये है कि यू कुड बी द परफेक्ट वन, ठीक हो गया। लेकिन देन सर्कमस्टांसेस आते हैं। सर्कमस्टांसेस इज़ द ओनली इशू मुझे लगता है कि आपके पर्सन के लिए राइट नाउ, जो कि आपके पर्सन को सोचने पे मजबूर करते हैं कि ये पॉसिबल भी हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, और उसकी वजह से वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, उसकी वजह से वो थोड़ा इंडिसाइसिव हो जाते हैं। उसमें काफ़ी हद तक लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। हो सकता है वो सोचते हो कि आपकी फैमिली और उनकी फैमिली का आपस में यू नो बातचीत हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, अप्रूवल मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। सो वो सारी चीज़ें आती हैं जब उनके माइंड में, तो वो ज़्यादा यू नो आपको लेकर कंसर्न हो जाते हैं, इस कनेक्शन को लेकर कंसर्न हो जाते हैं। सो इसीलिए मुझे लगता है कि वो काफ़ी हद तक आपको यू नो अगर आपको परसू भी करना चाहते हैं तो वो अपने आप को रोक लेते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि ग्रेजुअली जो उनकी फीलिंग है, जो आपके साथ उनकी एक बॉन्डिंग है, वो स्ट्रांग होती जाएगी। और कहीं ना कहीं अगर ये कमिटमेंट और मैरिज और यू नो स्टैंड लेने के लिए, कनेक्शन के लिए अगर डरते हैं, घबराते हैं, तो मुझे लगता है कि वो स्लोली बट श्योरली पॉसिबल हो पाएगा इनके लिए। लेकिन फिलहाल जो इनका सिचुएशन है, जो करंट सिचुएशन जिसमें आप इस इंसान के साथ हो, वहाँ पे फिलहाल मुझे लगता है कि जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो बहुत डोमिनेंट है, एज इनके जो भी ब्लॉक्स हैं वो बहुत डोमिनेंट हैं। और पर्सन जो है फिलहाल तो मुझे कोई एक्शन देते हुए दिख नहीं रहा कि चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करेगा, लेकिन ग्रेजुअली इसके मन में वो ख्याल आएगा कि उसको सॉल्व करने चाहिए इश्यूज़, और ताकि चीज़ें आगे बढ़ा सकें। चाहता है वो आपसे अपने कनेक्शन को आगे लेके जाना, बट एट द सेम टाइम जो मुझे लग रहा है कि वो उसमें आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पर्सन यू नो अगर हम बात करें ना कि मुझे लगता है कि कैलकुलेटिव है बहुत, हर चीज़ में इसको देख के चलना है। यू नो एक होता है ना कि एक प्यार होता है जहाँ पर आप यू जस्ट गो मैडली इनटू इट, ये वैसा पर्सन नहीं है आपका। या तो ये बहुत ज़्यादा मैच्योर है, या फिर इनका वो मैड क्रेजी वाला लव नहीं है आपके लिए। लेकिन यस, आप इनको पसंद हो फॉर श्योर, आपके साथ ये कनेक्शन चाहते हैं, लेकिन फिलहाल क्योंकि हो सकता है मेजॉरिटी लोगों के लिए इस इंसान ने अपनी फीलिंग्स इतनी सप्रेस की हुई हैं कि यू नो ये खुद भी उस चीज़ को रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन स्लोली और ग्रेजुअली, लाइक आई सेड अर्ली, मुझे लगता है कि चीज़ें जो हैं वो बदलेंगी। सो लेट्स सी सम मोर कार्ड्स, क्या ये पर्सन आपको प्यार करता है, हाँ या ना। फीलिंग्स तो डेफिनेटली हैं, लेकिन ये प्यार, बिकॉज यू नो व्हेन यू लव समवन तो आप चीज़ों को वे फाइंड आउट कर जाते हो। लेकिन इस पर्सन के साथ मुझे लगता है कि कैलकुलेटिव बहुत है, हर चीज़ को सोच कर, समझ कर, देख कर, भाल कर, तो वो उस तरह से एक्शन लेने का इसका
एक वो सिनेरियो है, तो मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए अगर मैं प्यार का वर्ड यूज़ करूँ तो मुझे नहीं लगता कि प्यार है. इट्स जस्ट मोर लाइक उसको लगता है कि यू कुड बी द परफेक्ट चॉइस. यू नो, एक होता है ना कि कभी आप किसी से मिलते हो, किसी को देखते हो, आप सोचते हो कि ये ऐसा पर्सन होना चाहिए मेरा. आपको उससे प्यार नहीं होता, बट यू एडमायर दैट पर्सन इन अ लविंग वे. उस तरह की एनर्जी है आपके पर्सन की, लेकिन जब बाकी चीज़ें आती हैं सामने तो मुझे लगता है कि वो इंडिसाइसिव हो जाते हैं कि यू नो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो इसलिए वो अपने आप को फर्दर आपके साथ अटैच होने से रोक लेते हैं. तो मुझे इस तरह की एनर्जी लग रही है आपके पर्सन की राइट नाउ टूवर्ड्स यू. लेट्स सी सम मोर कार्ड्स. लेट्स एड द क्वेश्चन कि करंट फीलिंग क्या है आपके पर्सन की आपको लेकर. करंट फीलिंग क्या है, करंट फीलिंग स्टेट क्या है. इनडिसाइसिव, अगेन द सेम थिंग. मुझे लगता है कि जो लोग डिटैचमेंट में है राइट नाउ या सेपरेशन में भी हैं, तब भी मुझे नहीं लगता कि आपका पर्सन आपसे मूव ऑन कर चुका है. अगर आपसे दूर भी है तो स्टिल उसने किसी और के साथ मूव ऑन नहीं किया. कहीं ना कहीं वो स्टिल कैलकुलेटिव वे में सोच रहा है कि क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि हम दोनों साथ हो सकें या नहीं. सो कहीं ना कहीं वो आपके ऊपर चेक रखे हुए है या कनेक्शन के ऊपर थोड़ा अपना यू नो इसका ध्यान में आप हो कहीं ना कहीं, और वो चाहेगा कि चीज़ें जो है वो सॉल्व हो सकें या आगे जा सकें, क्योंकि उसको लगता है कि यू कुड बी द परफेक्ट. ये तो कन्फर्म है, ये उसको लगता है कि आप कुड बी द परफेक्ट वन फॉर दैम. बट एट द सेम टाइम वो जब एक्शन नहीं ले रहे तो चीज़ें कैसे आगे बढ़ेंगी, दैट्स द थिंग. सो लेट्स सी के लेट्स सी के पर्सन आपसे क्या कहना चाहता है. पर्सन के मैसेजेस देखते हैं पहले, क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे राइट नाउ. क्या मैसेज है आपके पर्सन के आपके लिए राइट नाउ. वी मस्ट कैच अप अगैन. सो अगर आप सेपरेशन में हो, डिटैचमेंट में हो, काफ़ी टाइम से मिले नहीं हो, तो आपका पर्सन चाहता है कि आप दोनों मिलो, और शायद मिलकर वो थोड़ा और चीज़ों को देखना चाहें डिटेल से, यू नो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि उनको आपके साथ होकर आपके प्रेजेंस में कैसा फील होता है. आई एम स्टिल ट्राइंग टू ऑब्जर्व ऑल एंड एवरीथिंग. सो अगैन मुझे लगता है कि पर्सन जो है वो कनेक्शन, चाहे आपका नया कनेक्शन भी है, तब भी मुझे लगता है कि उसको लगता है कि यू कुड बी द परफेक्ट वन, लेकिन ये पर्सन टाइम लेगा. और अगर आप चाहते हो कि कनेक्शन आगे आगे बढ़े, जल्दी जल्दी बढ़े, तो उसमें मुझे लगता है कि आप पॉइंटेड होगी कि पर्सन जो है स्लोली बट श्योरली चीज़ें आगे लेकर जाएगा मेजॉरिटी लोगों के लिए. सो लेट्स सी कि आपको पूरी सिचुएशन में कैसे डील करना है. ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए, और फिर जल्दी से हम चार्म्स ऐड कर लेंगे क्योंकि फिर मुझे भूल जाएगा. सो लेट्स सी द यूनियन ऑफ हार्ट्स, अ लव कनेक्शन डिफाइज एक्सप्लेनेशन. अच्छा, आपका कनेक्शन इस इंसान के साथ बहुत ज़्यादा सोलफुल है, और मुझे लगता है कि ये आप लोग चाहो भी तो शायद ब्रेकअप नहीं कर पाओगे, एज एन के आप कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहोगे एक दूसरे के साथ. और मुझे लगता है कि जो लोग सबर करेंगे इस कनेक्शन में रहते हैं और पॉजिटिव रहेंगे, उनके लिए तो डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे के साथ ही होगे. लेकिन अगर आप पॉजिटिव रह नहीं पाते हो, और अगर आप यू नो आप चाहते हो कि बस ठीक हो गया, यू नो बस हो गया, इनफ हो गया, तो आप आगे बढ़ जाओगे. लेकिन मेजॉरिटी लोगों के लिए दिल में एक वो चीज़ रहेगी स्टिल कि ये पर्सन जो था ये वही था, लाइक यू नो द राइट काइंड ऑफ मैन और वुमन वॉज दैट पर्सन. क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो आप लोगों का एक दूसरे को लेकर एक अट्रैक्शन है या एक ड्रॉन फील करते हो एक दूसरे की तरफ, वो किसी और के साथ आपका शायद ही बने कभी और किसी और के साथ. फॉरगिवनेस नथिंग इज गेन्ड बाय होल्डिंग ऑन टू पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स. अच्छा, यहाँ पर एक दूसरे को फॉरगिव एंड फॉरगेट करने की भी ज़रूरत है, पास्ट को लेकर, चीज़ों को लेकर, फाइट्स को लेकर, आर्ग्यूमेंट्स को लेकर, सिनेरियोज को लेकर. अब मुझे लगता है कि जो लोग एक्स के साथ डील कर रहे हैं, उसमें मुझे लगता है कि अगर आप चाहो तो यू कैन कम बैक टुगेदर अपने पास्ट को भुलाते हुए. यू नो, आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो कि ऐसे पर्सन के लिए देख रहे होंगे रीडिंग, जो कि शायद जिसके साथ आप सेपरेटेड हो राइट नाउ. लेकिन इन दैट सिचुएशन टू मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग चांस है कि आपका कनेक्शन आपके पर्सन के साथ यू नो फिक्स हो जाए. उसको टाइम लग सकता है, बट एट द सेम टाइम आपका खुद का एटीट्यूड भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है. सो लेट्स सी सम चांस. लेट्स सी के चांस क्या ऐड करते हैं आपके इस स्पेसिफिक समवन से रिलेटेड. पहले हम ऐसा करते हैं, अल्फ़ाबेट्स देख लेते हैं, एंड देन उसके बाद बाकी चार्म्स ऐड करेंगे. एम जी एक्स बी बी डी वाई वी एक्स ई. सो ये नेम इनिशियल आपके और आपके पर्सन के भी हो सकते हैं. देन वी हैव फाइव ऑफ वांड्स, सिक्स ऑफ वांड्स, एस ऑफ कप्स,
सेवन ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, देर इज अ लॉट ऑफ इमोशंस. मुझे लगता है कि ये कनेक्शन जितना ज़्यादा आप इसको लाइटली लेकर चलोगे उतना ज़्यादा सक्सेस आपको मिलेगा, जितना ज़्यादा स्ट्रेस्ड होगे उतना ज़्यादा आपको आपका माउंड जो है, माइंड जो है, वो क्लाउडेड रहेगा. सो बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को यू नो लाइट हार्टेड लेकर इस इंसान के साथ आगे चलो. अगर सेपरेशन में भी हो और चाहते हो कि ये कनेक्शन वर्कआउट करे, डेफिनेटली कर सकता है. मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं पे भी कोई ऐसा ब्लॉक है जो कि आप रिमूव नहीं कर सकते हो. आपने सिर्फ और सिर्फ पेशेंट रहना है और अपना फेथ जो है वो स्ट्रांग रखना है. दैट्स ऑल यू नीड टू डू, क्योंकि ये पर्सन आपके लिए उतना ही फील करता है जितना आप करते हैं. लेकिन कुछ सर्कमस्टांशियल ब्लॉक्स हैं, कुछ फैमिली इशूज़ हो सकते हैं जिसकी वजह से पर्सन आपको परसू नहीं कर रहा. लेकिन अगर आप पेशेंट रहते हो, वेट करते हो, सब्र करते हो, तो डेफिनेटली आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा. अच्छा, आई फील लाइक यू नो आपके लिए तो वही चीज़ है कि अगर आप यू नो अगर आप डिसाइड कर लो कि आपको ये पर्सन चाहिए, तो नो बडी इन दिस वर्ल्ड कैन स्टॉप यू. सो आप अगर चाहो तो आप अपने यू नो अपने आप को स्ट्रांग कर सकते हो, अपनी डेडिकेशन को स्ट्रांग कर सकते हो, अपने फेथ को स्ट्रांग कर सकते हो. देर इज़ अ लॉट ऑफ लव इन दिस कनेक्शन, बट येस अभी आपका पर्सन जो है एक्सप्रेसिव नहीं होता उस तरह से. बट येस देन यू हैव यू नो अब इफ़ यू कुड स्टे स्ट्रांग अराउंड इट, तो मुझे लगता है चीज़ें वर्कआउट हो जाएंगी आपकी और आपके पर्सन की. हो सकता है कि आपके पर्सन ने या आपने आपके पर्सन को कभी टैडी बियर दिया हो और आपको एक दूसरे को लेकर काफ़ी ज़्यादा यू नो एक कडलिश फीलिंग आती है. दिल करता है कि एक दूसरे के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा कडलिंग में टाइम जो है वो बिताओ. आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि जो नाइट टाइम है वो अगर आप मेडिटेट करो ना अपने पर्सन से कनेक्ट करने के लिए, चाहे आप सेपरेशन में भी हो, तो मुझे लगता है कि वो आपके लिए ऐसे वर्क करेगी जैसे आपकी रियल कम्युनिकेशन हो रही है. सो नाइट टाइम इज गोइंग टू बी द बेस्ट टाइम. जब आप मेडिटेट करके या टेलीपैथिक मैसेजेस सेंड करना चाहो पर्सन को, तो उस टाइम पे करो, वो आपके लिए वर्क करेगा लाइक वंडर्स. सो वो आप कर सकते हो. मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए ये एक बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग कनेक्शन रहा है जिसके लिए भी आप रीडिंग चेक कर रहे हो. और मुझे लगता है कि इसमें हमेशा से एक डिवाइन प्रोटेक्शन रही है. कनेक्शन की ग्रोथ स्लो रही है, लेकिन जब ये फाइनली ग्रो करेगा तो ये बहुत ज़्यादा यू नो जब एक दफ़ा एक्सप्रेस हो जाएगा प्यार, तो ये बहुत ज़्यादा ब्लूम करेगा आपका जो कनेक्शन है. तो मुझे लगता है कि बहुत प्यार और बहुत ही एफर्ट पेशेंस के साथ चाहिए. जैसे आप यू नो अगर आप कोई पौधा लगाते हो तो वो एक दिन में बड़ा नहीं हो जाता. यू यू गिव दैट लव, यू गिव दैट लाइक नरिशमेंट टू दैट, एंड उसके बाद वो ग्रो करता है. और वो जब ग्रो करता है तो इट स्टार्ट्स लाइक यू नो ग्रोइंग लाइक फास्ट. सो वो चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी है. आपका कनेक्शन भी कुछ ऐसा ही लग रहा है मुझे, जहाँ पे इनिशियली शायद इनिशियली नहीं, आई वुड से कि मेजॉरिटी टाइम जो है आपका वो एक दूसरे के साथ लाइक यू नो इसी तरह से निकल जाएगा. लेकिन जब वो ग्रो करेगा तो वो फास्टेस्ट वे में ग्रो करेगा आगे फर्दर. और आपको वो खुशी मिलेगी जो आपने यू नो जैसे आप किसी जैसे आप कोई पौधा लगाते हो, आप जब उसको ग्रो करते